एसवाईएल नहर के अंदर आप जो लाश देख रहे हैं ये एक लड़की की है जिसके शरीर पर गहरी चोट के निशान है। ऐसा लगता है मानो उसकी हत्या करके एसवाईएल नहर के अंदर फेंका गया हो, मगर सीमा विवाद के अंदर पुलिस आपस में उलझ रही है और जब मीडिया के कैमरे चले तो पुलिस ने आनन फानन में लाश को नहर से बाहर निकाला। बता दें गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार उन्होंने अब तक 12,000 से ज्यादा लाशों को नहर से बाहर निकाला है और उन्होंने देखा कि इस लड़की की डेड बॉडी के ऊपर गहरी चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है मानो इसका मर्डर करके नहर के अंदर फेंका गया हो। ये इसके बारे में अभी तो यही ज्यादा है कि एसवाईएल नहर से मिली है, ज्यादा पानी का बहाव बहुत कम है और रात के आसपास का ये कांड हो सकता है क्योंकि इसकी आंख के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा आंख के ऊपर चोट का निशान है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर करता है कि इसको मारने के बाद ही फेंका गया। क्या लगता है मर्डर करके? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल जो बॉडी की स्थिति के मुताबिक तो यही। तो अब तक आप कितनी डेड बॉडी है सर? इसमें अब हमारी आज 11,897 स्पीड डेड बॉडी, एक घंटा पहले हम करनाल एक निकाल गए। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिलती है? नहीं नहीं, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद, लेकिन आज समाज जो चाहे वो फॉरेन के लोग हैं चाहे वो इंडिया के लोग हैं, वो सभी काफी हद तक हमें अपना प्यार देते रहे हैं। सरकार की तरफ से तो अभी एक महीने पहले हमारे विधायक साहब एक बार तो पहले उन्होंने झूठ बोला था कि मैं आपको सम्मानित करूंगा या सरकारी नौकरी दूंगा, गीता जयंती की नौकरी थी 3 महीने की, उसके बाद भी उन्होंने मुझे निकाल दिया या मेरे को भगा दिया। तो अभी बहज 20 दिन पहले जो मेरे कुरुक्षेत्र का एक राघव लड़का डूबा था तो फैमिली ने कहा था कि प्रगट को और कुछ नहीं तो किट तो प्रोवाइड करो, सिलेंडर किट जो ये दुखी परिवारों की मदद कर सके, तो वो भी सुभाषुदा जी बोल गए तो 20 दिन से उनका वो भी फोन नहीं प्रगट। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। पुलिस ने भी माना कि मृतक लड़की के शरीर पर गहरी चोट के निशान है। महिला की एक सूचना मिली थी कि दवखेड़ी के पास नहर में ना एक डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र 24-25 साल की है। तो हमने मौका पे गए, एसएचओ साहब प्रगट सिंह को फोन किया और डेड बॉडी को निकाला गया जिसके सिर पे ना थोड़ा चोट का निशान है, चोट लगी हुई है। आगामी कार्रवाई तो पीस के बाद एसवाईएल नहर से मिली है, एसवाईएल तो चोट वोट के निशान भी मिले, सिर के ऊपर चोट का निशान है। बाकी इतला की जाएगी इलाकों में, हरियाणा पंजाब बाकी पूरा एरिया में अखबार में न्यूज पेपर में केबल टीवी पे निकाल के इतला दी जाएगी। गौरतलब है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से गुजर रही एसवाईएल बाखड़ा नहर में अब तक 12,000 के लगभग लाशें मिल चुकी हैं और गोताखोर प्रगट सिंह इन लाशों को नहर से निकालने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।